हे गाइस व्हाट्सअप, कैसा सभी लोग। और आज हम लोग एक और बार से खेलने वाले हैं पोकेमॉन यूनाइट। और आज कोई स्पेशल नहीं होने वाला है, आज मैं रैंडम गेम प्ले करूंगा। दो मैचेस खेलेंगे और पहले मैच में मैंने लिया है टैलेंट फ्लेम और अपने अपोनेंट्स में भी एक टैलेंट फ्लेम है। सो बाकी सबके एक बार यूजर्स देख लेते हैं तब तक। और ये वीडियो मैं बहुत दिनों के बाद आ रही है अर्नी गेमिंग चैनल पे। सो सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं एक स्पेशल चीज़ पे काम कर रहा हूँ और मेरी एग्जाम्स भी आ रही है, इसलिए एक बार मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाए, मिड मार्च तक मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएगी और उसके बाद मैं अर्नी गेमिंग और अर्नी टेक दोनों पे काफ़ी अच्छे क्वान्टिटी में वीडियोज़ डालूंगा। और फटाफट से मैच स्टार्ट होने वाला है, गेंगार का लोड होने दो। तब तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर सकते हो, और अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो भाई मैच स्टार्ट हो रहा है, रेडी गो। मैं हूँ फ्लेचलिंग और एक्रोबैटिक्स। भाई एक्रोबैटिक्स बहुत ओपी है। आजा भाई, 10 मिनट का मैच है और ये रैंक मैच है। मैं बताना भूल गया कि नहीं, रैंक मैच है और रैंडम स्पेशल है क्योंकि आप लोग बोलते रहते हो तू हर पोकेमॉन लेके खेल, तो आज मैं दो पोकेमॉन लेके खेलने वाला हूँ। एक तो टैलेंट फ्लेम लिया है और नेक्स्ट पोकेमॉन मैं कौन सा लूँगा वो अभी तक मुझे पता नहीं है, पर वो बाद में मैंने सोच के रखा है। चलो 8 बॉल्स हो गए, फटाफट से मैं एक फॉर्म मारता हूँ और अपना लुकारियो ओपी यार, इतना जल्दी गोल भी कर दिया। तो मैं काम करता हूँ, फटाफट से फार्म करके आता हूँ। तो गाइस अभी फार्म करते करते मेरे पास 30 बॉल्स हो गए और अभी मैं चाहता हूँ कि मैं ये ऑडिनो ले लूँ ताकि मैं बन जाऊँ टैलेंट फ्लेम। और ये मैंने ऑडिनो भी ले लिया है और मैं फ्लाई के साथ जाने वाला हूँ। अगर आपको ब्रेव बर्ड लेना है तो मैं जैसे कि कहा एरियलेस लिया करो, और अगर आपको फ्लाई लेना है तो आप जरूर से ये ले सकते हो फ्लेम चार्ज। और ये मैंने चुरा लिया, अरे यार नहीं चुरा पाया। चलो एक काम करते हैं भाई, 30 बॉल है, गोल करने का ट्राई करते हैं। अपना सिंड्रेस तो वैसे भी काफ़ी अच्छा काम कर ही रहा है। अच्छा उन्होंने ड्रेनॉल लिया पर कोई दिक्कत नहीं, मैं गोल करके आता हूँ। अरे यार उनका टैलेंट है मेरे आसपास, छोड़ गया क्या जल्दी जल्दी गोल गेटर। अरे यार नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, भागो ऐसे। टैलेंट पीछे पीछे आ रहा है दोस्तों, एक 1v1 बैटल देखना है ये देखो। अरे यार जरोरा ने यूनाइट मूव दे दिया, आ जा जरोरा, गया उस साइड, ये देखो नहीं नहीं, अरे 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 जरोरा आ जा, खत्म भाई। देखो उसकी हेल्थ मेरे से ज़्यादा थी, उसने मेरे को यूनाइट मूव भी मारा था, लेकिन तुम्हारा भाई जैसे मैंने कहा टैलेंट फ्लेम से भाई मैं पीवीपी गॉड हुआ है, पीवीपी मास्टर, पीवीपी डेविल जो कह रहे हैं खेलो, लेकिन टैलेंट फ्लेम से मैं एक बहुत ही अच्छा हूँ। अगर मुझे 1v1 करना है तो ज़्यादातर मैं 1v1 में हमेशा जीती जाता हूँ। चलो भाई मेरे पास 40 बॉल आ गए और ट्राई करते हैं अभी गोल करने का। 3 किल मैंने कर दिए, 2 का सपोर्ट है और गोल गेटर, और ये गोल। चलो भाई 4000 वहाँ पे आ जा, चलेगा टैलेंट। ये 2 लोग गए भाई, क्या गिरे को, एक गया, 4000 आ रहा हूँ मैं। हाँ अरे यार 4000 स्पीड का पोशन लेके आ रहा है, नहीं हो पाएगा, मैं पकड़ नहीं पाऊँगा, 4000 के पास स्पीड का पोशन है। 1 2 यार भागते यहाँ से, काम करते 4000 की हेल्थ भी मेरे जितनी है, तो अभी मैं और वो अपने बेस पे, भागो टैलेंट फ्लेम राइट मूव दे दिया है यार, ये 4000 मेरे को मार देगा शायद। तो गाइज अभी मैं नीचे आ गया क्योंकि यहाँ पे मार हो रहा है, और अरे यार उनके इसने यूनाइट मूव दे दिया, कौन है ये क्रैमोरेंट, यार क्रैमोरेंट यूनाइट मूव से बचना बहुत ज़्यादा हार्ड है मेरे सबसे, यार बहुत ज़्यादा हार्ड है। चलो मेरे टैलेंट फ्लेम मेरे पीछे पड़ा पर मैं इससे बच जाऊँगा। सॉरी भाई कभी कभी गलती हो जाती है, पर क्या करे, पिछली बार तो मर गया था लेकिन टैलेंट भाई इस बार नहीं छोड़ने वाला मैं। और भाई भाई सब पिटेंगे, आ जा 2 लोग भाई, देखा केओस स्ट्रिक 2 भाई, तुम्हारा भाई प्रो। पिछली बार भाई टैलेंट फ्लेम ने मार कैसे दिया उनके वाले, बदला ले लिया भाई मेरा और मेरा बदला पूरा। और 43 बॉल्स, एक काम करते हैं मैं 50 बॉल कर लेता हूँ और उसके बाद मैं 2 मिनट होने के बाद गोल करूँगा, क्योंकि अगर मैंने 2 मिनट के बाद गोल किया फिर वो जो मेरे 50 है वो 100 हो जाएगा, यानी डबल भाई। चलो तब तक एक और फिश रेड ले लेते भाई, अरे यार उनका जरोरा है, जरोरा के बच्चे मस्ती ना आई। चलो आ जा 50 बॉल हो गए, अरे यार वो लोग ने ड्रेनो ले लिया, नहीं 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 हमने ले लिया, गेंगार ओपी, इसे कहते हैं प्रो टैलेंट फ्लेम डॉज भाई। फ्लेम चार्ज से क्या डॉज किया भाई, देखा उसने अपनी नाइट मूव लगाई और मैं फ्लाई से बच गया भाई, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट क्लच। तो भाई जैसा कि मैंने कहा था कि मैं 2 मिनट पे गोल करूंगा, उसमें आ गया हूँ, गोल गेट ऑन करो, और ये मैंने कर दिया 50 बॉल का गोल। चलो 40000 ने भी कर दिया 90, लेकिन मैंने ज़्यादा ऑब्वियसली क्योंकि 100 बॉल्स भाई। चलो भाई फटाफट से हम लोग सेंटर एरिया में चलते हैं, मेरी यूनाइट मूवी खुलने वाली है और ये लोगों ने जाडोज लेना ऑलरेडी चालू कर दिया। ठीक है मैं एक काम करता हूँ, घास में छुपते हैं भाई, उनके घास में पहले कौन है, कोई नहीं उनके घास में। चलो भाई देख रहे हो मैं कितना ज़्यादा स्मार्ट हूँ, उनके घास में छुपा हुआ भाई। 4000 को मार के आए क्या, अरे यार इसने यूनाइट मूव लगा दी, भागो यहाँ से जल्दी जल्दी भाई। यार इस गेम में किसी ने जाडोज लिया ही नहीं, पर जहाँ तक मुझे लगता है भाई उन लोगों ने हमसे ज़्यादा गोल किया। देखो ग्रिंजा ने फिर से 100 का गोल मार दिया, तो मुझे लगता है भाई वो लोग जीत गए इस मैच में, हम लोग हार गए, और पता नहीं मैच का MVP कौन होगा,
पर हार गए भाई, हार गए, रैंक मैच था लेकिन हार गए। उनके काफ़ी अच्छे थे टीम मैच, उनका चार्लिज़ार्ड ने मुझे दो बार यूनाइट मूव दिया था, पर मैं मुझे लगता है मैं टैलेंट फ्लेम एज ए टैलेंट फ्लेम काफ़ी अच्छा खेला हूँ। भादी का वो लोग जीत गए 140, ठीक है मैं एमवीपी नहीं हूँ पर 140 मेरे किल्स 7 किल्स है ठीक है। अपना लुकारियो अच्छा था, उनके यार चार्लिज़ार्ड और टैलेंट फ्लेम काफ़ी अच्छे थे। चलो फटाफट से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट मैच की तरफ। तो भाई मैंने नेक्स्ट मैच के लिए एक ऐसा पोकेमॉन प्लान किया जो मुझे लगता है मैंने आज तक मतलब दिखाया होगा लेकिन एक दो बार ही दिखाया होगा, और वो है मैमोस्वाइन नहीं है जी हाँ, मैंने लूंगा ब्लास्टोइस जी हाँ। चलो भाई मैच स्टार्ट हो रहा है और मैंने लिया है ब्लास्टोइस, और देखने में तो अपनी टीम काफ़ी प्रो लग रही है लेकिन आप देखा ना भाई लास्ट टाइम अपनी टीम भी प्रो लग रही थी लेकिन हम क्या मतलब बुरी तरीके से हार गए, किसी ने जाडो लिया ही नहीं यार। भाई यार ये स्कॉर्बनी मेरे साथ क्यों फार्म करने आ रहा है यार, मुझे फार्म लेना है भाई। अरे भाई देखा वाटर गन से क्या स्टील किया यार, मैंने अभी नोटिस किया वाटर गन से काफ़ी अच्छा स्टील हो सकता है। आजा भाई तू चला जा भाई स्कॉर्बनी, हाँ फार्म मेरा है भाई। मैं आपको लोग सोच रहे हो डिफेंडर हो के फार्म क्यों कर रहा है भाई, मुझे ब्लास्टर्स बनना है, एक बार मैं ब्लास्टर बन जाऊंगा ना एक मतलब अलग ही ताकत आती है। ब्लास्टोइस ही ऐसा एक डिफेंडर है जिससे खेलने में मुझे मजा आता है, मतलब नॉर्मली जो स्नोरलैक्स हो या स्लोब्रो उससे खेलने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा नहीं आता जितना ब्लास्टोइस से आता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा फार्म भी ले लिया है और मैं बन चुका हूँ वाटर टर्टल, और हाइड्रो पम्प लिया करो यार, वाटर स्प्राउट मुझे लगता है इतना अच्छा नहीं यार, हाइड्रो पम्प में एक अलग ही मजा है। और सपोज आपके पीछे कोई पड़ा होगा ना हाइड्रो पम्प से एकदम मतलब स्टील कर सकते हो आप काफ़ी अच्छे से, और उसको आप पीछे भी ढकेल सकते हो, सो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी बात लगती है हाइड्रो पम्प की। और स्कल बैश तो अपना है ही भाई प्रो मूव, आ जाओ हाइड्रो पम्प देखो भाई हाइड्रो पम्प से भाई क्या हेल्थ जाती है, खत्म भाई अपना स्कॉर्बनी ने मेरा किल चुरा लिया पर कोई दिक्कत नहीं, डिफेंडर हो तो डिफेंडर नॉर्मली उतने ज़्यादा किल्स नहीं करता है। फटाफट से हम लोग 25 बॉल्स का भी गोल कर देते हैं और मैं काम करता हूँ जो ऊपर 4 कॉर्फिश है उनको मारने चलते हैं। तो गाइज अभी मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई हो रही है, सो ये को भाई मेरे पास सर्फ भी आ गया है, सो सर्फ ले लेते हैं, और सर्फ काफ़ी अच्छा डिफेंसिव मूव है, सपोज कोई गोल कर रहा होगा आप आराम से उसको पीछे ढकेल भी सकते हो, सो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगती है। आ जाओ भाई देखो भाई सर्फ से क्या हो, मैंने पीछे ढकेला लोगों को, वो तो मार ही देगा। चल भाई जल्दी जल्दी भाई मुझे इसको मारना है, आ जा भाई मरेगा मरेगा सर्फ जब तक है भाई ये, भाई देखा अभी मैं सिंडे से भरे ही मर भी जाऊँ, देखिए भाई खुशी ये कि मैं उसको मार के मराऊँ इसको आईवी सॉर को। तो गाइज उन्होंने यहाँ पे रोटॉम ले लिया था लेकिन रोटॉम को स्टील तो भाई मैं ही करूँगा। ये देखो भाई 26 बॉल हो गए और मेरी यूनाइट मूवी खुल गई, मैं ब्लास्टर्स भी बन चुका हूँ, सो अभी मेरे साथ कोई भी 1v1 करने आया ना तो ब्लास्टर्स भाई उसको छोड़ेगा नहीं। देख रहे हो भाई दो डिफेंडर इनके स्नोरलैक्स और ब्लास्टर्स एक साथ जा रहे हैं, देखो भाई प्रो क्या प्रो लग रहे भाई दोनों। अरे भाई पूरी गैंग आ गया, आप जल्दी जल्दी ये करते यूनाइट मूव ये आ जाए, एक सेकंड यूनाइट मूव की जरूरत, हाँ हाँ है जरूरत। चलो भाई भाई देखो यूनाइट मूव से क्या इंस्टेंट किल किया मैंने। तो गाइस पिछली बार मैंने वॉट ऑर्डर से ब्लास्टर स्टील किया था और इस बार मैं ये देखो भाई बेसिक अटैक से मैंने एब्जॉल जैसे स्टीलर से स्टील कर, देखो भाई क्या प्रो हूँ मैं। तो गाइस अभी मैं 29 बॉल का गोल करने आ गया हूँ, मुझे लगता है कोई आ गया लेकिन मेरे पास कोर शील्ड है, सो सपोज कोई आया भी तो मुझे कोई डर नहीं, मैं आराम से सर्व करके भाग भी सकता हूँ। अरे यार इसने टेलीकैनेसिस दे दिया, कोई दिक्कत नहीं भाई सर्व जब तक है तब तक मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। चलो भाई इसको यूनाइट मूवी दे दिया, तू नहीं बचेगा भाई, तू गेंगार कभी नहीं बचेगा। आ जा भाई स्नोरलैक्स ने भले ही मेरा किल चुरा लिया लेकिन भाई ये गेंगार मरता नहीं अगर मैं अपनी यूनाइट मूव नहीं देता, सो ये बहुत ही अच्छा मतलब इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव मैंने निभाया, इंपॉर्टेंट रोल मैंने निभाया, सो क्रेडिट तो मुझे बनता है। तो भाई फाइनल स्ट्रेच हो गया और मुझे लगता है हाँ ये चार्जर ने बोल दिया लेट्स गैदर इन द सेंट्रल एरिया, सो मैं आ गया उस सेंटर पे, और तब तक ये कॉर्फिश मार लेते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसको बेसिक अटैक से मारने का ट्राई करूँगा, हाइड्रो पम्प नहीं यार बेसिक अटैक से मारते हैं। चल भाई पता चला कोई चार्जर आके यूनाइट मूव देके भाग गया, अरे अरे यूनाइट मूव मैं सर्फ लेके बैठा हूँ, कोई आएगा तो मस्त वाला स्टील होगा भाई देखा। अरे भाई सिंड्रेस ओपी यार, सिंड्रेस ने क्या स्टील किया। चलो भाई बाकी सब भाड़ में मैं जाता हूँ भाई, गोल करके आते हैं फटाफट से, आ जाओ अपना चार्जर भी काफ़ी मुझे प्रो लग रहा है यूनाइट मूव से, भाई सबकी हेल्थ डाउन कर दी थी सर्फ अटैक, देख भाई इतना ज़्यादा प्रो मैंने सर्फ से, मैं उसकी क्रॉफिश की हेल्थ भी कम कर दी और मैं काफ़ी आगे भी बढ़ गया। कितना बॉल 82 भाई देखा 82 बॉल से गोर कर दिया है, और मैं जा रहा हूँ जल्दी जल्दी अपने बेस पे क्योंकि अब भाई हमने कर दिया अपना काम, अभी बारे आ चुके हैं डिफेंड करने की। आ जा विनसौर पीछे पीछे हटो पीछे हटो पीछे हटो, नहीं टिकोगे भाई, गया एक गया एक गया। अरे भाई स्लो ब्रो अच्छा सपोर्टर है, टेलीकैनेसिस से क्या बचाया विनसौर को, स्लो ब्रो के मुझे लगता है ज़्यादा पीछे जाना चाहिए। और ये देखो भाई विनसौर यहाँ पे 2 बेस कर रहा है, देखा भाई एक हाइड्रो पम्प से मैंने विनसौर को मार दिया, विनसौर को लग रहा था कि मुझे कोई नहीं मार पाएगा और मैं आराम से 2 बेस कर लूँगा लेकिन उसको पता ही नहीं था कि प्रो ब्लास्टर्स उसके पास आ रहा है, और भाई अपना अब्जॉर्ब काफ़ी अच्छा है यार देखो, और 36 बॉल का गोल कर दिया, और भाई मैं और सिंड्रेस पूरा बेस डिफेंड कर रहे हैं और कोई भी आएगा तो मैं उसको सर्व से पीछे ढकेल दूंगा।
और ये देखो भाई उनके टीम ने भाई सरेंडर कर दिया, देखा भाई इतना ज्यादा डोमिनेट कर दिया हमने मैच में, वो बोले भाई हमसे ना हो पाएगा जल्दी जल्दी सरेंडर कर दो। चलो भाई देखते हैं किस स्कोर से जीते, मतलब क्लोज बैटल था, हमारी भी चारों बेस डिस्ट्रॉय हो गए, उनकी भी चारों बेस डिस्ट्रॉय हो गए और लास्ट में सिंड्रेस ओपी आया। सिंड्रेस ने क्या यूनाइट मूव से अपने आर्टिकोनो जैडोस डील कर लिया, सॉरी आर्टिकोनो नहीं, 757-410 मेरे 165 है। सिंड्रेस एमवीपी भाई, सिंड्रेस सच में प्रो था। क्या है भाई 4 kills से 6 support, बहुत लोग तो मेरा किल भी चुरा लिए। तो एक काम करते हैं गाइस, आज के वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको हर वीडियो की तरह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना और एक बार मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाए उसके बाद धड़ाधड़ वीडियोस आते रहेंगे। और सपोर्ट करना यार, अनसब्सक्राइब मत कर देना क्योंकि थोड़े से डिले हो रहे हैं वीडियोस, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियोस टाइम टू टाइम आते रहे। चलो भाई फिर मिलता हूं मैं आपसे इस तरीके का एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी सेफ एट होम एंड जय हिंद।